आप डॉक्टर शर्मा हैं, ही इज 53 एंड ही इज फ्रॉम परागपुर हिमाचल। मेन तकलीफ बैकएक और वो करीब पिछले 1-2 साल से, और उसी के साथ धीरे धीरे लेफ्ट लेग में पेन, शूटिंग पेन जो हील तक जा रहा है और थोड़ा दूर चलने के बाद बेंड डाउन कर देते हैं। आपको लगता था जब चलते थे थोड़ी देर बाद आपका पॉस्चर अपने आप ही बदल जाता था? बॉडी ऐसे रिलैक्स महसूस करता था, इसलिए थोड़ा बेंड था। आपको लगता था 10-15 डिग्री बेंड करने के बाद मैं थोड़ा बढ़िया महसूस करता? एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग है और ये बताता है कि फोरामिनल स्टेनोसिस है, पेशेंट को कहीं ना कहीं डायनेमिक कंप्रेशन है और नर्व जो है पिंच हो रही है, और जब भी हम बेंड डाउन हो जाएंगे, बॉडी अपने आप बेंड डाउन करेगी आपको, तो फोरामिना थोड़ा सा खुल जाएगा, तो पेशेंट को थोड़ा कम्फर्ट लगेगा। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं चलते चलते झुक क्यों जाता हूँ। वैसे ही आपके साथ हो रहा है। MRI इंटरेस्टिंग था, L5S1 लेटरल ईसस सिंड्रोम लेफ्ट साइड, तो प्लान था आउट साइड इन टू डिकम्प्रेस दी रूट, फ्लोर को भी डिकम्प्रेस करना, रूफ को भी डिकम्प्रेस करना। सो बाय दिस वी हैव डिकम्प्रेस द डिस्क डाउन सुपीरियरली, द लिगामेंट, द बोन, द फैसेट और रूट बिकम टोटली फ्री। सर्जरी के दौरान बेहोश तो नहीं थे? नहीं सर। चलना कैसा? वो तो बहुत बढ़िया। चल के दिखाइए, यू फीलिंग बेटर? ना, जो पैर में दर्द, झुंझुनाहट, अब नहीं है, झुकना, वो सब नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ, दिस इज बेसिकली वेरी गुड प्रोसीजर। दिस इज L5S1 एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन ऑफ लैटरल रिसेस कैनाल, बेसिकली प्रेजेंटिंग एज ए लैटरल रिसेस सिंड्रोम। इसमें पेशेंट को पेन होता है और इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होता है, और सिम्टम्स में ये बोलता है जब मैं चलता हूँ मैं झुक जाता हूँ अपने आप, मेरे को ये नहीं समझ में आता मैं झुक के क्यों चल रहा हूँ। बैक साइड देखें, नाउ सी वेरी स्मॉल बैंडेड, नाउ सी दिस इज स्टिचलेस सर्जरी, वेरी स्मॉल 7 मिलीमीटर स्कार। जमीन पे बैठे कि नहीं बैठे? नहीं सर, अभी तो नहीं बैठे। बैठिए आराम से क्रॉस लेग करके। कैसा लग रहा है? ठीक है, आइए। सो एज ए डॉक्टर, अब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? व्हाट यू फील अबाउट दिस होल सर्जरी? तो सर जो स्टिग्मा था स्पाइन सर्जरी के, क्योंकि मेरे के ग्रुप में या साथी भी जो बताते थे कि मत जाना, ऐसे ना होगी कहीं टांगे रह जाए तेरी, तो चल तो रहा ऐसे ना हो, वो तो अप्रिहेंशन जो खत्म हो गई। करेक्ट। प्रोसीजर कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से आपके इसमें क्या अच्छा है जो बहुत बढ़िया है एंडोस्कोप में? एंडोस्कोप में सर एक तो पूरा बेहोश नहीं करते, सबसे बड़ी लोकल बिना बेहोश, दूसरे आदमी को पता लगते रहता है कि क्या हो रहा है, क्विक रिकवरी है, तुरंत चलना फिरना अलाउड है। 2 घंटे में आपने चला दिया, कोई ड्रेसिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं, केवल एक बैंडेड है। सो एवरीबॉडी वांट्स एंडोस्कोप। या थैंक यू सो मच। थैंक्स मनी से खुड़ो।